शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। पिछले चार महीनों से लॉकडाउन की मार झेल रहे नवी मुंबईकरों समेत पूरे देश के लिए ये दौर इसलिए बुरा है क्योंकि लॉकडाउन ने इस कोरोना काल में उन्हें आर्थिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया और इसलिए अब नवी मुंबई से पूरी तरह लॉकडाउन हटाकर यहां की जिंदगी फिर से सामान्य रूप करने की मांग नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत ने प्रशासन से की है। दशरथ भगत ने जो प्रमुख मांगे रखी हैं उनमें शामिल है लॉकडाउन से लोगों को मुक्त करना, 500 यूनिट तक के विद्युत बिल माफ करना, 500 यूनिट के ऊपर की विद्युत बिल में 50% की छूट देना, मनपा प्रशासन रोजाना की कोरोना की भय रिपोर्ट की जगह राहत रिपोर्ट देना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के लिए बनाई गई कमेटी को सक्षम करना, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरोग्य व्यवस्था और अधिक सक्षम करना। दशरथ भगत ने इन मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन ने मांगे नहीं पूरी की तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिवाजी चौक से वाशी महावितरण कार्यालय, कोंकण भवन और नवी मुंबई मनपा मुख्यालय तक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। दशरथ भगत ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि निवेदन के रूप में जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। गौरतलब बात यह है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी राज्य सरकार ने दरों में प्रति यूनिट 3.76 रुपए का इजाफा किया है, मगर इन्हीं नए दरों का इम्प्लीमेंटेशन लॉकडाउन काल में कर दिए जाने से ग्राहकों पर और अधिक आर्थिक बोझ महावितरण ने डाला है। ऐसी परिस्थिति में इसका विरोध भी दशरथ भगत ने जताया। जो पहला जो लॉन्ग मार्च हम निकाल रहे वो कॉर्पोरेशन हो राज्य शासन इनका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम लॉन्ग मार्च या करने वाले है। उसके अंदर जो लाइट बिल है वो लाइट बिल किसी को भी पसंद नहीं है, लोगों के पैसा नहीं है, लोग बिल लाइट बिल नहीं भर सकते, ये एक मुद्दा हमने रखा है। दूसरा मुद्दा है कि जो लॉकडाउन है अभी ये अनलॉक है, ये अनलॉक के माध्यम से पार्ट पार्ट लॉकडाउन है, ये भी लॉकडाउन होना नहीं चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को रोजी रोटी मिलना चाहिए, ये रोजगार के लिए बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसकी जो जानकारी लोगों की जो भावना है, लोगों की जो चाहत है, लोगों की इच्छा है कि हम कोरोना में जो 4 महीना हम हमारी जीवित का रक्षण हुआ और हमारे आरोग्य का रक्षण, लेकिन फाइनेंशियली हम खत्म हो गए हैं, हम फाइनेंशियली इतना खत्म हो गए हैं कि जो जान बचाया है, जो हमारा हेल्थ बचा है वो भी खत्म होने वाला है। इसलिए लॉकडाउन अनलॉक भी नहीं चाहिए, लॉकडाउन छोड़ दो अनलॉक भी नहीं चाहिए, इस मुद्दे पर हम जा रहे हैं। और आप लॉकडाउन गुला कर लो बिल्कुल नहीं, अनलॉक भी नहीं, लॉक भी नहीं है, इससे ज़्यादा आप वो जो कोई हॉस्पिटल की उपचार की मात्रा है वो आप बढ़ाइए। तीसरा मुद्दा है कि महानगर पालिका पालिका ने ज़्यादा से ज़्यादा जो बेड्स है जी इलाज के लिए जो बेड है उसकी मात्रा बढ़ाए, फिर उसके अंदर वेंटिलेटर है, ICU है, ऑक्सीजन बेड है, हॉस्पिटल की जो उपचार मात्रा है, उपचार बेड है, क्वारंटाइन सेंटर्स है, इसकी मात्रा बढ़ाए। और वो जो कोविड का जो डर का रिपोर्ट है, कोविड भय रिपोर्ट, वो भय रिपोर्ट की जगह आप वह रिलैक्सेशन रिपोर्ट, एक दिलासा रिपोर्ट, एक अच्छा लोगों को लगेगा अच्छा रिपोर्ट है, उसके अंदर बेड की संख्या दिखाइए कि आज जो 15 लाख जनसंख्या है वो डर नहीं कि तुमको अभी सिर्फ 12,000 लोगों को 12,000 लोग पॉजिटिव है, लेकिन 15 लाख लोग पॉजिटिव नहीं है, वो डर रहे हैं, उनका डर खत्म करने के लिए आप वो कोविड रिपोर्ट भय रिपोर्ट के अलावा एक रिलैक्सेशन रिपोर्ट आप उसके अंदर देखें। तो ये सब मुद्दा लेके हम शासन महापालिका हो या राज्य सरकार हो उनको ध्यान में लाने के लिए ये लॉन्ग मार्च करें, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।